ये 500 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें मुझे क्या मिला? वो पीडब्ल्यूडी को मिला। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पूछो ना। अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले पार्टी फंड के नाम पे और गांठ मार के चले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या 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 मार के? गांठ मार के। बाकी 100 करोड़ का क्या हुआ बताओ? वो तेरी माँ की शादी में मंडप में खर्च हो गए। बात करता है, सबने अपने अपने हिस्से का पैसा खाया है और अब ये इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो। हमें तो सिर्फ 25 करोड़ मिला और वो भी हमने काम में लगा दिया। हाँ मालूम है, काम किया है 6 रुपए का और बिल लगाया 26 करोड़ का। इलेक्शन के समय जब हमारे सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हो कि फंड दो, तो हम कहाँ से खोद के निकालेंगे? जितना पैसा अंदर किया है उसके आधे का भी काम करते तो पब्लिक खुश हो जाती। छोड़ा सीमेंट बह गया। क्यों? क्यों? क्योंकि मंत्री जी ने अपनी भाभी के पिताश्री से सीमेंट खरीदने को बोला और पिताश्री ने सीमेंट के बदले चूना देके चूना लगाया है ना। इन सब कमीनों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट देके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। चप्पल पड़ने चाहिए मुझे चेहरे पे। अरे बाकी सब ठीक है, लेकिन कम से कम वो पिलर के अंदर तो सीमेंट और लोहा कुछ ना कुछ ज्यादा भरना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे मानता हूँ मैंने सीमेंट कम भरा, लोहा कम भरने की क्या जरूरत थी? तेरी जिम्मेदारी थी ना वो। हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है अभी। चुप। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं होगा। और वो पुल बराबर है, इसका सर्टिफिकेट तुमने बना के दिया था ना। हाँ तो अरेस्ट वारंट निकल चुका है तुम तीनों के नाम। वो मैं संभाल लूंगा। उस एसीपी के मुंह में मैंने नोटों का बंडल ठूस दिया है। उसी ने कहा यहाँ छुपने के लिए, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? वो पुल के उद्घाटन के बाद मंत्री जी अपने घर पहुंचने से पहले ही पुल गिर गया। अच्छा हुआ वो खड़ा था तब नहीं गिरा। रुको जरा, किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसके सर पर तुम इल्जाम डाल सको? बड़ा हरामी हो बेटा। वो ड्राइवर है ना तुम्हारा, क्या नाम उसका? विश्वास राव भरोसे का आदमी है। भाऊ आपको ऊपर बुला रहे हैं। आता। आपने मुझे बुलाया सर? काका आइए। ये देखिए, ऐसे कायरों की तरह पड़े रहना किसी भी बात का उपाय हो सकता है क्या? आप ही बताइए। क्या हुआ क्या? काका ये सच है, पुल टूट गया, बहुत सारे लोग मर गए, इसके लिए जहर खा के आत्महत्या करने वाला था ये। अच्छा हुआ सही वक्त पे मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, वरना इसका तो राम नाम सत्य था। हरीश बेटे क्या हुआ? क्या करता काका जी, जेल जाने से तो अच्छा था ना। मेरी इज्जत, बाबू जी की इज्जत, पूरे खानदान की इज्जत, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था। आपकी कसम खा कर कहता हूं ये बात। काका जी आप हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। मदद? मैं क्या कर सकता हूँ? आप हमारे लिए ये इल्जाम अपने सर पे ले लीजिए ना काका, कि वो पुल के नीचे बम आपने रखा। संभाले।